नंबर वन रंजन पाइक। जय हिंद सभी को। मैं रंजन पांडे, मैं एक्स एनसीसी कैडेट नाउ इन इंडियन आर्मी एज अ डीआई इन द इंडियन आर्मी। आज हम बात करेंगे हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं, ये डीएसटी में बहुत तरह से फेल्योर होते हैं। तो जब डीएसटी फेल्योर होते हैं, बारीकी बताया जाएगा इसमें, जिससे कि आपको पता चले कि डीएसटी इस प्रकार का होता है और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप उठा सकते हैं डीएसटी में। तो ये कैडेट हमारे दो कैडेट एकदम डिसिप्लिन में, ये विश्राम पोजीशन में खड़े रहते हैं। जैसे एक कैडेट अभी अच्छे तरीके से खड़े हैं, एक कैडेट का थोड़ा दूरी ज़्यादा है, तो इससे आगे वाले को शुरुआती ही नज़र में पता चल जाता है कि ये कैडेट अच्छा नहीं है, जिसका डिसिप्लिन थोड़ा सा डाउट है। तो ये नापने का तरीका, जैसे ये खड़े हैं विश्राम में, तो ये अपने पैर से यदि एंकल बनाएंगे तो ये टच होगा और इसको अपोजिट कर लेंगे, तो ये एग्जैक्ट विश्राम पोजीशन, ये है एग्जैक्ट विश्राम पोजीशन। आप देख रहे हैं एग्जैक्ट विश्राम पोजीशन में दोनों लोग हैं। अब दोनों लोग की दूरी यहाँ पे डिस्कस है। अभी हम लोग इन लोगों को स्टेप में चलाएंगे, तो स्टेप में सबसे पहले जो कैडेट हैं वो सावधान होते हैं। कौशन होगा कि डीएसटी शुरू करने का कौशन होगा। नंबर वन कैरी ऑन का कौशन पे ये रिक्रूट सावधान होंगे, फिर आगे वाले स्टेप को हम लोग बताएंगे। नंबर वन कैरी ऑन पाइक। अब ये पहला स्टेप में ये सावधान का स्टेप था, जो कि ये लोग थाई टू पैरेलल उठाते हुए स्टंप किए और स्टंप करके ये दूरी आया, जिसका जो एंगल है 30 डिग्री के एंगल में बना और इंच की दूरी 6 इंच की दूरी आगे हो गई, एड़ी टू एड़ी सटी हुई है। तो ये नंबर वन साधन पोजीशन में है। अब यहाँ से इन लोगों का दूसरा स्टेप 13, 14, 1, 2, मतलब एक से स्टार्ट करेंगे, बाएँ पाँव से एक, और यदि आपकी क्षमता हो तो बाएँ पाँव को आप थोड़ा हर पांव से ऊपर उठाएंगे, जिससे देखने में अच्छा लगता है और आपके जोश को पता चलता है कि आप में के अंदर कितना जोश है। और जो 13-14 वाला पांव है, 13 वाला पांव फिर बायां होगा और वो 13 वाला पांव भी थोड़ा हर पांव से थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। एग्जैक्ट यदि चेस्ट लेवल तक वो पांव आता है तो आपको शानदार माना जाएगा और स्टम्पिंग थोड़ा तेज होगा। तो अभी आप देखेंगे, मैं रेडी अब बोलूँगा और ये कैडेट जो हमारे हैं 13-14 करके आपको दिखाएंगे और वहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, में पांव उठाया था। अभी हम लोग एक चुप हुए ड्रिल का नमूना हम लोग के सामने था, जो कि जो हमारे कैडेट हैं ये चुप होके उन्होंने दिया, जो कि कहीं कहीं साइलेंट ड्रिल भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने साइलेंट ड्रिल यहाँ पे किया और इन्होंने वॉइस ड्रिल किया, समझ में आया। क्योंकि हम लोग जब जाते हैं कहीं आगे की तरफ जाते हैं तो कहीं कहीं साइलेंट ड्रिल का भी प्रैक्टिस होता है, तो इनको हम लोग ने साइलेंट ड्रिल कराया और इनको वॉइस ड्रिल कराया। ये आप लोग की मतलब बहुत जानकारी है कि कहीं कहीं हमारे सीओ साहब लोग टेस्ट लेते हैं तो साइलेंट ड्रिल और वॉइस ड्रिल का भी ये होता है, जिसमें साइलेंट ड्रिल में आवाज़ नहीं होता है तो आवाज़ चुप करके चलें। अभी ये आवाज़ चुप करके ही चलेंगे और ये वॉइस ड्रिल में आवाज़ करके चलें। नेक्स्ट स्टेप हम लोग लंबा ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यदि रुकेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से इन लोग दाहिने टर्न करेंगे, मैं बोलूँगा रेडी अप, तो इन लोग दाहिने टर्न करेंगे। दाहिने टर्न करके 12 कदम जाएंगे, 12 कदम के बाद कट खाली, 1, 2, 3, 4 जो कट खाली होता है, कट खाली करके ये लोग पीछे मुड़ करेंगे और उसके बाद आपको 1, 2, 3, 4 फिर आएंगे, फिर कट करेंगे, बाजू लॉक करेंगे, उसको बाजू लॉक कहा जाता है। उन्होंने बाजू लॉक किया, कट खाली, एक जो होता है उस पर पहले दाहिने सलूट करेंगे और 2, 3, 4, 5 और जो 6, 6 नंबर का पांव होगा उस पर स्लोट डाउन होंगे। फिर इन लोग 16 कदम जाएंगे, 16 कदम आगे की तरफ जाएंगे और 16 कदम के बाद जब रिटर्न होंगे ये लोग, तो उस समय भी 1, 2, 3, 4, 5 कट खाली, अब बाएं सलूट होगा, लास्ट में अपोजिट साइड बाएं सलूट होगा। क्योंकि ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे जो VVIP हैं वो हमारे जिस साइड में होते हैं सलूट उसी साइड में होता है, और आके 1, 2, 3, 4 आके फिर ये थम करेंगे। तो अभी आप लोग देखेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं कार्रवाई, और ये कार्रवाई को आपको दिखाया जाएगा। तो अभी आप देखेंगे ये पूरा ड्रिल। रेडी अप, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
तीन चार कट करीब एक दो तीन चार पांच डाउन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अभी यहाँ इन लोगों ने पूरा प्रोसेस क्लियर किया।